देखिए, आज हमें एक जानकारी मिली कि मोहम्मद दानिश नाम का एक फल विक्रेता बन्ना देवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फलों को थूक लगाकर और मतलब कहते हैं ना नोजी इंग्लिश में नाक आ रही थी उसके गंदे हाथों से मूत्र करके आया, मूत्र में हाथ गीले उन हाथों से फलों को लोगों को बेच रहा था। वहाँ स्थानीय लोगों द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया गया, उसका विरोध किया गया तो वो लड़ने को उतारू हो गया और उसके बाद जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, भीड़भाड़ इकट्ठी होगी तो उसको पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए उसको थाने पर ले आई और जी बिल्कुल हमने थाने पर तहरीर दी है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की हरकतों से हमारी हिंदू भावनाओं को आहत कर रहे हैं। कल करवा चौथ का महापर्व है और बहन बेटियां माताएं बहनें सब व्रत रहती हैं और उस तरीके की जिस तरीके की इसने ये हरकत की है, पूर्व में नौ देवी भी गुजरे हैं, नौ दुर्गे गए हैं, अभी नौ दुर्गों में भी तमाम फलों की बिक्री होती है। हिंदू लोग फल खरीदते हैं, नवरात्रियों में फलाहार करते हैं, लेकिन इस तरह के लोग हमारे व्रतों को भंग करने का कार्य कर रहे हैं, हमारी पूजा पाठ को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारी मांग प्रशासन से यही है, यही हमने पुलिस से मांग की है, लिखित में तहरीर दे दी है कि ऐसे आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, एक वीडियो है जिसमें इसने अपनी ये सारी हरकतें कबूल भी की है। मोहम्मद दानिश भोजपुरा शाहजमाल ईदगाह के पास, उसने अपनी सारी जितनी भी हरकतें की हैं वो अपनी वीडियो में कबूल की हैं और साथ ही हमारे साथ चश्मदीद गवाह भी हैं जिन्होंने सारी हरकतें अपनी आंखों से देखी और इन्होंने उसको टोका। मेरा नाम ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय करणी सेना। जी मैं भास्कर अग्रवाल, मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस चीज़ का। जब मैं भी फल वहाँ लेने पहुँचा तो उसका हिसाब देख कर ऐसा लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। जो उससे पहले सब्जी खरीद रहे वो सॉरी फल खरीद रहे थे, उन लोगों ने जब देखा कि ये नोजी और वो सब टॉयलेट वगैरह लगा के हाथों में ये फल दे रहा है। कल भैया ने जैसा भी कहा कि कल हमारी माता बहनों का महापर्व है करवा चौथ का, ये उन सबको झूठे फल खिला के ये उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। अभी पिछले दिनों नौ दुर्गे गुजरे हैं, अब इन लोगों ने नौ दुर्गों में क्या हल किया होगा? इसको हमने रंगे हाथों पकड़ा है और इसके खिलाफ तहरीर हम थाना बना देंगे। नाम है आपका और यहाँ क्या करने आए हैं? मेरा नाम ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय करणी सेना उत्तर प्रदेश। और हमें ये सूचना मिली कि मोहम्मद दानिश नाम का फल विक्रेता बन्ना देवी थाना क्षेत्र अंतर्गत अपनी फलों की ठेल लगाता है और ये नाक के हाथों से और पेशाब के हाथों से, पेशाब में भीगे हुए हाथों से थूक लगा लगा कर लोगों को फल दे रहा था। जैसे ही हमें सूचना मिली हम लोग मौके पर पहुँचे, इसको रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस को सूचना देकर पुलिस के हवाले इसको कर दिया। जिस तरह की हरकत इसने की है, पूर्व में भी इस तरह की हरकत हो चुकी है। गाजियाबाद में एक जूस विक्रेता को पेशाब मिलाते हुए जूस बेचते हुए पकड़ा गया था, या अन्य कई घटनाएं हुई है थूकते हुए, कोई होटल में रोटियां बेच रहा है, कोई सब्जियों में थूक रहा है। तो जिस तरीके की हरकतें ये जिहादी लोग करते हैं, इन हरकतों पर अंकुश लगना चाहिए क्योंकि ये हमेशा से हमारी हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए आ रहे हैं और ये हम अब कतई होने नहीं देंगे। ऐसे लोगों के विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे कानूनन रूप से, और अगर कानूनन रूप से इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो हम स्वयं इनको अपने तरीके से सजा देंगे। क्या हुआ सर? ये तो मैं सजा तोड़ कर दिया था उनको करके, उसमें हाथ टूट गए हैं ना, नहीं क्या दिक्कत, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या था सजा नहीं देते वो? हाँ अभी तक तो तुम बोले थे कपड़े साथ पहुँचा था, तो हाथ कपड़े से पहुँचना अच्छा लगता है क्या? ना मैं हाथ धोने की लगा।
ना कितना गंदा सीन है ये, क्या हुआ था? टॉयलेट के हाथ से सामान दे रहा, व्रत का सामान, व्रत का सामान, कल लेडीजों का बर्थडे है, हिंदुओं का, तुम देखते हो हमें यहाँ का चीज है बता रहा है।